हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो सब? आई होप सब अच्छे होंगे। आपको स्वागत है क्रिकेट विद शत्रुघ्न चौबे चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं डाहिंग पटकाई राइडर्स वर्सेस शुभांश्री चैम्प्स के बीच में होने वाला मैच के बारे में। और अभी भी ये टाइम बहुत है फ्रेंड्स, यहाँ पर 1.5 घंटा बाकी है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको मैं पूरा डिटेल्स कवर करके बताने वाला हूँ। पहले हम बात करते हैं मैच डिटेल, उसके बाद हम बात करने वाले हैं पिच रिपोर्ट और वेदर रिपोर्ट, उसके बाद दोनों टीम की प्लेयर्स की स्टैट्स, जो प्लेयर्स की स्टैट्स होगा फ्रेंड्स, दोनों टीम की स्क्वाड की स्टैट्स होने वाला है। पूरा यहां पर मैं 30 प्लेयर्स को कवर करने वाला हूं। उसके बाद दोनों टीम के बीच हेड टू हेड कितने बार हुए हैं, उसके बाद पॉइंट्स टेबल में कितने पोजीशन पे हैं, और उसके बाद दोनों टीम की फॉर्म क्या है, लास्ट 5 मैचेस में कितने मैच जीते हैं और कितने मैचेस हारे हैं, और उसके साथ साथ दोनों टीम की फॉर्म, विनिंग चांसेस, ये सारा इन्फॉर्मेशन आप यहीं पर जानने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि सारा इन्फॉर्मेशन यहीं पर है। अगर वो पूरा इन्फॉर्मेशन आप जान जाओगे तो फ्रेंड्स, आप कोई भी लीग जीत सकते हो। तो फ्रेंड्स, लेट नहीं करते हैं, चलिए आपको इन्फॉर्मेशन दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड, ये 30th T20 मैच है बाइजूस असम T20 लीग का, और ये मैच जजेस फील्ड गुवाहाटी में खेला जाएंगे, और ये मैच भारत के टाइम के अनुसार 1 बजे होने वाला है। तो फ्रेंड्स, अगर पिच और वेदर रिपोर्ट की बात करें तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बैलेंसड रहने वाला पिच और थोड़ा बारिश होने की चांसेस है फ्रेंड्स यहाँ पर, और एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर 120 से 130 रन तक बन सकता है, और टीम बॉलिंग फर्स्ट विनर यहाँ पर 80% है, और टीम बैटिंग फर्स्ट विनर यहाँ पर 20% है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर दोनों टीम की फॉर्म की बात करें तो यहाँ पर डाइंग पटकाई राइडर्स ने लास्ट 5 मैचेस में एक भी मैच नहीं जीते हैं, और 5 के 5 मैच हार गए। अगर वही शुभांश्री चैम्प्स की बात करें तो 2 मैच हारे हैं फ्रेंड्स, लास्ट 2 मैच है, उसके बाद 3 मैच जीत गए। तो यहाँ पर देखा जाए तो शुभांश्री चैम्प्स की थोड़ा अच्छा है। अब आगे फ्रेंड्स, यहाँ पर दोनों टीम की अगर विनिंग चांसेस की बात करें तो यहाँ पर शुभांश्री चैम्प्स यहाँ पर 60% जीतने की चांसेस है, और डाइंग पटकाई राइडर्स की 40%। अगर दोनों टीम की अगर स्टैट्स की बात करें तो पहले हम बात करते हैं डाइंग पटकाई राइडर्स की पहला प्लेयर अरूप दास, ये ऑलराउंडर है फ्रेंड्स। यहाँ पर देखा जाए तो बैटिंग में लास्ट मैच में 1 रन बनाए और कोई सफलता इनको नहीं मिला, उसके बाद 0 रन बनाए लेकिन 1 विकेट लिए, यहाँ पर 2 विकेट, फिर यहाँ पर 2 विकेट लिए, यहाँ पर 3 विकेट। तो फ्रेंड्स, इस मैच के अलावा इनको हर मैच में विकेट मिला। तो फ्रेंड्स, अगर लास्ट 5 मैच की स्कोर देखा जाए तो इनको आप बैट्समैन ऑलराउंडर समझ के मत लीजिए, आपको समझ के बॉलर समझ के लेना, तो आप लेंगे तो फ्रेंड्स आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है ये प्लेयर से। उसके बाद एक प्लेयर और है फ्रेंड्स, मोहम्मद मिराज सेकंड प्लेयर है, ऑलराउंडर है फ्रेंड, एक ही मैच खेले हैं अभी तक, और यहाँ पर 3 रन बनाए और यहाँ पर 1 विकेट भी इनको मिला। तो फ्रेंड्स, अगर ये पूरा प्लेइंग 11 में रहेगा तो मैं आपको पूरा स्टैट्स में दूंगा। उसके बाद शिवशंकर रॉय की बात करें तो ऑलराउंडर है फ्रेंड, लास्ट मैच में 33 रन बनाए और 1 विकेट, यहाँ पर 46 रन बनाए लेकिन कोई सफलता नहीं, यहाँ पर डेकआउट हो गए फ्रेंड, यहाँ पर 8 रन बनाए और 0 विकेट लिए, और यहाँ पर 45 रन और 28 रन और 1 विकेट है। तो फ्रेंड्स, ये परफेक्ट ऑलराउंडर है, कुछ मैचेस में विकेट्स लिए, कुछ मैचेस में एक अच्छे स्कोर भी बनाए, तो यहाँ पर इस प्लेयर को 100% आपको टीम में लेना है। उसके बाद यहाँ पर अभिषेक ठाकुरी की बात करें तो विकेट कीपर है फ्रेंड, लास्ट मैच में 5 रन बना के आउट हो गए, उसके बाद 28 रन, 53 रन, 12-11, तो इनका बेस्ट की बात करें तो 53 रन है। तो फिलहाल मैं इस प्लेयर को अभी नहीं लेने वाला हूँ फ्रेंड। अब उसके बाद आ गए यहाँ पर रोहित नंदन पेगू की बात करें तो ये भी विकेट कीपर है, इनका भी कोई खास स्कोर नहीं है फ्रेंड्स, इनका बेस्ट है 23 और 34, लास्ट मैच में 3 रन बना के आउट हो गए, तो फिलहाल ये प्लेयर को भी मैं अवॉइड कर रहा हूँ। उसके बाद आनंद शर्मा की बात करें तो फ्रेंड्स, ये बॉलर हैं, लास्ट मैच में 1 विकेट लिए, प्रीवियस मैच में भी 1 विकेट, फिर यहाँ पर 1 विकेट, यहाँ पर विकेट नहीं मिला, तो फ्रेंड्स लास्ट 4 मैच में इनको 3 विकेट मिला। तो फ्रेंड्स, आप जरूर इस प्लेयर को ट्राई कर सकते हो। उसके बाद एक और प्लेयर है फ्रेंड्स, यहाँ पर दिबाकर जौहरी बॉलर है, 2 मैच खेले हैं फ्रेंड्स अभी तक, दोनों मैच में इनको 1 विकेट मिला, 1 मैच में 17 रन और 7 रन बना के आउट हो गए। उसके बाद यहाँ पर हृदीप डेका की बात करें तो बॉलर हैं, लास्ट 2 मैचेस से इनको विकेट नहीं मिल रहा, लेकिन फ्रेंड्स आप प्रीवियस मैचेस देख सकते हो, इनका 1 विकेट लें, यहाँ पर 3 विकेट और यहाँ पर भी 3 विकेट लिए हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 2 मैचेस की परफॉर्मेंस कोई भी बॉलर से हो सकता है, तो इस प्लेयर को जरूर आपको टीम में रखना है, प्लेयर आज आपको एक अच्छा पॉइंट्स दिला सकता है। उसके बाद राबी छेत्री की बात करें तो बॉलर हैं, लास्ट मैच में कोई विकेट नहीं मिला, उसके बाद 1 विकेट, फिर 3 विकेट लिए, फिर यहाँ पर 1 विकेट लें और यहाँ पर 2 विकेट, कोई विकेट नहीं मिला, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर इस प्लेयर को आप ट्राई कर सकते हो चाहे तो। उसके बाद ऋतुराज विश्वास की बात करते हो, विकेट बॉलर हैं, यहाँ पर 11 रन बनाए और 1 विकेट लें और 6 रन बनाए और 1 विकेट लें, 2 मैच खेले फ्रेंड, दोनों मैच में इनको विकेट मिला, आप चाहे तो ट्राई कीजिए। उसके बाद यहाँ पर साहिल अहमद की बात करते हो, बॉलर हैं, अभी तक 4 मैच खेले फ्रेंड, 4 मैच में इनको 4 विकेट मिला, 3rd मैच में विकेट नहीं मिला, लेकिन लास्ट मैच देख सकते हैं 1 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट्स और 2 विकेट्स लिए, तो साहिल अहमद को जरूर ट्राई करना फ्रेंड्स आप टीम में। उसके बाद यहाँ पर आसिफ वसीमुल हक की बात करते हो, बैट्समैन है, 3 रन, 0 रन, यहाँ पर 2 मैच में बैटिंग नहीं की, यहाँ पर 5 रन बनाए, 3 विकेट लिए, लेकिन ये परफॉर्मेंस काफ़ी नहीं होगा फ्रेंड, तो इस प्लेयर को, इसको मैं अवॉइड कर रहा हूँ। उसके बाद दैनिश अहमद की बात करें तो ये बैट्समैन है, लास्ट मैच में 65 रन बनाए और 3 विकेट लिए, फिर 21 रन,
15 रन, 29 रन, 3 रन और 21 रन और 1 विकेट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इस प्लेयर को आप 100% ट्राई कर सकते हो। उसके बाद राहुल हजारिका की बात करें तो बैट्समैन है, इनका 24 रन, 51 रन और 30 रन थोड़ा बेस्ट है। उसके बाद 0.88 रन बना के आउट हो गए, तो यहाँ पर राहुल हजारिका को हम लोग ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद रजत खान की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर इनका बेस्ट है 22, 15, 18 है और 13 है, तो फ्रेंड्स इस प्लेयर को अवॉइड कर दीजिए। अब आ गए फ्रेंड्स यहाँ पर सुभनश्री चाम्स की प्लेयर्स की स्टार्ट। तो पहला प्लेयर है फ्रेंड्स नसीरुल्ला, लास्ट 5 मैचेस में देख सकते हैं, लास्ट मैच में 1 रन, 5 रन, 6 रन, 10 रन और यहाँ पर 55 रन बनाए। एक मैच में अच्छा स्कोर बनाए लेकिन एक स्कोर से नहीं होगा फ्रेंड, तो यहाँ पर इस प्लेयर को भी मैं अपने टीम में नहीं लेने वाला हूँ। उसके बाद यहाँ पर शुभम मंडल की बात करते हैं, बैट्समैन है, लास्ट मैच में 15, 6, 21, 15, 4 है, तो इस प्लेयर को भी मैं अवॉइड कर रहा हूँ। उसके बाद प्रीतम दास की बात करें तो यहाँ पर ऑलराउंडर है, 5 रन, कोई विकेट नहीं, फिर 0 भी, कोई विकेट नहीं, फिर यहाँ पर भी कोई विकेट नहीं, यहाँ पर अच्छे विकेट लिए हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर 5 रन बनाए, 5 विकेट हैं, यहाँ पर 0 रन बनाए और 2 विकेट लिए, तो यहाँ पर इसको तीनों मैचेस से विकेट नहीं मिला लेकिन प्रीवियस 2 मैच में इनको विकेट मिला। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर ये कब विकेट लेगा पता नहीं, लेकिन ये प्लेयर आपको मेगा ग्रैंड लीग के लिए परफेक्ट हो सकता है। उसके बाद शेखर बर्मान की बात करें तो फ्रेंड्स ये बॉलर हैं, 1 विकेट लिए हैं, यहाँ पर कोई विकेट नहीं, फिर यहाँ पर 3 विकेट, फिर यहाँ पर कोई विकेट नहीं, आप चाहे तो इस प्लेयर को ट्राई कर सकते हो फ्रेंड। उसके बाद मानस ज्योति गोगोई की बात करते हो, विकेट कीपर है, 3 रन, 8 रन, 27 रन, 0 है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर कोई खास नहीं है। उसके बाद साहिल जैन की बात करते हो, लास्ट मैच में 67 रन बनाए और 0 विकेट लिए, यहाँ पर 5 रन, फिर यहाँ पर 65 रन बनाए, यहाँ पर 67 रन बनाए और यहाँ पर 21 रन बनाए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो 1, 2, 3 अर्धशतक लगाए फ्रेंड, और उसके बाद 21 रन के गेम भी अच्छे खेले, तो इस प्लेयर को 100% टीम में रखना पड़ेगा आपको। उसके बाद एक और प्लेयर है फ्रेंड्स मिकाइल डोली, बॉलर हैं, 15 रन बनाए, कोई विकेट नहीं, 11 रन, कोई विकेट नहीं, यहाँ पर भी कोई विकेट नहीं, यहाँ पर 1 रन बनाया और 1 विकेट, यहाँ पर 12 रन और कोई विकेट नहीं, तो फ्रेंड्स इस प्लेयर को मैं नहीं लेने वाला हूँ। उसके बाद राज अग्रवाल की बात करें तो 2 रन बनाए, 0 विकेट, ऑलराउंडर है फ्रेंड्स इनका रोल, 14 रन, 1 विकेट, फिर 1 विकेट, 2 रन और 0 विकेट, फिर 0 विकेट, तो फ्रेंड्स इनका भी ना बॉलिंग में खास है ना बैटिंग में, तो फ्रेंड्स इस प्लेयर को भी अवॉइड कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर सिद्धांत शर्मा की बात करते हो, बॉलर हैं, लास्ट मैच में ना कोई रन बनाए ना कोई विकेट लिए, लेकिन प्रीवियस मैच में 6 रन बनाए, 2 विकेट, फिर यहाँ पर भी 2 विकेट, फिर 7 रन बनाए, 2 विकेट, फिर यहाँ पर 1 विकेट, तो फ्रेंड्स यहाँ पर लास्ट मैच के अलावा इनको हर मैच में विकेट मिला, तो 100% इस प्लेयर को मैं टीम में रखने वाला हूँ। उसके बाद यहाँ पर अभिषेक कुमार सिंह की बात करते हो, 2 मैच खेले फ्रेंड्स जिनको 1 विकेट मिला, अगर ये प्लेइंग 11 में होगा तो फ्रेंड्स यहाँ पर इनको मैं लास्ट मोमेंट में बता सकता हूँ कि ये लेना है नहीं लेना है। उसके बाद यहाँ पर सुंजो ब्रह्मा की बात करते हो फ्रेंड्स, यहाँ पर कैप्टन एंड बैट्समैन है, 3 मैच में फ्लॉप हुए इसलिए मैं इनको अवॉइड कर रहा हूँ। उसके बाद विक्रम रावत की बात करते हो फ्रेंड्स, ऑलराउंडर है, 3 रन और 5 रन बनाए और 0 विकेट से, तो इनको भी अवॉइड कर दीजिए। उसके बाद सौम्यादीप दास की बात करते हो, बैट्समैन है, 2.731 लिए। उसके बाद सुनील लचित बॉलर है फ्रेंड्स, यहाँ पर 1 विकेट, फिर यहाँ पर 1 विकेट, फिर 0 विकेट से फ्रेंड्स यहाँ पर। और कुणाल साइकिया की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर विकेट कीपर है, 24, 21, 14, 34, 3 है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं 2 विकेट कीपर को पिक करके रख चुका हूँ, आपको वहाँ फर्स्ट में दिखाया था, चलिए फ्रेंड्स वो भी आपको मैं दिखा देने वाला हूँ। उसके बाद यहाँ पर दोनों टीम के बीच अगर हेड टू हेड की बात करें तो 1 बार हुआ फ्रेंड, वो मैच सुभनश्री चाम्स ने जीत लिया। अगर दोनों टीम के बीच अगर पॉइंट्स टेबल की बात करें तो पहले हम बात करते हैं डाइविंग पटकाई राइडर्स की, अभी तक इस सीजन में 9 मैच खेले फ्रेंड्स, जिसमें 7 मैच जीते हैं, 2 मैच कैंसिल हुआ था, नेट एंड्रॉइड पॉइंट मिला था, यहाँ पर टाइयर ड्रा 1 बार भी नहीं हुआ और पॉइंट्स टेबल में पहला स्थान पे है। और वही सुभनश्री चाम्स की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर 9 मैच खेले हैं, 4 मैच जीते हैं, 3 मैच हारे हैं और 2 मैच कैंसिल हुआ और पॉइंट्स टेबल में शायद 4th पोजीशन में फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं लिखना भूल गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको मैंने सारा इन्फॉर्मेशन मैंने दे दिया, आई होप अगर आपको इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो फ्रेंड्स वो है मेरा टेलीग्राम चैनल, क्योंकि फाइनल टीम आपको इसी तरह मिलने वाला है। उसके बाद यहाँ पर दोनों टीम की प्लेइंग 11, टॉस अनाउंसमेंट, उसके बाद यहाँ पर अगर वीडियो का लिंक भी देता हूँ फ्रेंड्स यहाँ पर, अगर मैं वीडियो नहीं डाल पाता हूँ तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको पूरा स्टैट्स मैं यहीं पर प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा फ्रेंड्स, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। अगर लिंक ओपन नहीं होता है तो फ्रेंड्स आपको क्रिकेट विद शत्रुघ्न चौबे सर्च करना, सर्च करते मेरे चैनल हो जाएगी, अब वहाँ जाकर ज्वाइन कर लेना, 675 सब्सक्राइबर्स है फ्रेंड्स, जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। अगर फाइनल टीम की बात करें तो फ्रेंड्स चलिए फाइनल टीम देख लेते हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ पर साकिया और यहाँ पर ठकुरी को मैंने विकेट कीपिंग में पिक किया, और यहाँ पर पेगू है और नसीरुल्ला भी है फ्रेंड्स यहाँ पर, लेकिन मैं दोनों विकेट कीपर को पिक कर रहा हूँ। उसके बाद बैट्समैन की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर एस जैन है, हजारिका और डी अहमद है फ्रेंड्स यहाँ पर। अगर इसमें कोई भी बदलाव करना है तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप एक प्लेयर को ले सकते हो, मंडल को ले सकते हो, नहीं तो यहाँ पर वसीम हक को ले सकते हो। तो फ्रेंड्स गोगोई ज़्यादा मैचेस नहीं खेले तो इनका भी स्टार्ट्स में दे चुका हूँ फ्रेंड्स, एक बार आप देख सकते हो। उसके बाद ऑलराउंडर की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑलराउंडर में बहुत प्लेयर्स हैं, एस रॉय है, ए दास, पी दास को मैंने लिया, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप चाहे तो अग्रवाल को आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर गेंदबाजी में एस शर्मा को और यहाँ पर बर्मान और यहाँ पर मैंने छत्री को पिक किया फ्रेंड, तो यहाँ पर गेंदबाजी में बहुत प्लेयर्स हैं फ्रेंड, डेका भी है, डोली भी है फ्रेंड्स यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर यश शर्मा
और यार विश्वास है फ्रेंड्स यहाँ पर। तो फाइनल टीम ये मेरा नहीं है फ्रेंड्स, फाइनल टीम के लिए आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। लेकिन एक बार टीम देख लीजिए, ठाकुरिया साकिया विकेट कीपर है फ्रेंड्स साकिया, उसके बाद बैट्समैन में जैन हजारिका डी अहमद है, यहाँ पर ऑलराउंडर में एस रॉय पी दास ये दास है, यहाँ पर गेंदबाजी में एस बर्मन एस शर्मा आर छेत्री है फ्रेंड्स यहाँ पर, कैप्टन वाइस कैप्टन में डी अहमद एस रॉय को मैंने बनाया शिवशंकर रॉय। तो फ्रेंड्स ये कोई मेरा फाइनल टीम नहीं है, फाइनल टीम के लिए आपको मेरे टेलीग्राम चैनल जरूर विजिट करना पड़ेगा फ्रेंड, जल्दी ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि सारा इन्फॉर्मेशन वहीं पर मैं देने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर नेक्स्ट बहुत मैचेस है फ्रेंड्स अभी भी, तो सारा मैचेस मैं कवर करने वाला हूँ। नेक्स्ट मैच है फ्रेंड्स यहाँ पर विराट नगर वॉरियर्स वगैरह फोकारो राइनर्स, ये मैच मैं कवर कर सकता हूँ। उसके बाद मैं एक और मैच कवर करने वाला हूँ फ्रेंड, ओमान वर्सेस स्कॉटलैंड की, उसके बाद यहाँ पर दोनों मैचेस मैं कवर करने वाला हूँ फ्रेंड। तो अभी भी यहाँ पर चार मैचेस मैं लगभग शायद कवर करूँगा, तो जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब भी चैनल को कर लीजिए और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा फ्रेंड। तो फ्रेंड्स यही है पूरी इन्फॉर्मेशन, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कॉमेंट और सब्सक्राइब करके जरूर जाना फ्रेंड्स, थैंक यू।